कॉलेजों में एडमिशन कब होंगे? जैसा कि दोस्तों मुझे कमेंट के द्वारा कई बच्चों ने पूछा कि सर आप बताइए एडमिशन कब होंगे, कॉलेजों में एडमिशन कब से शुरू हो जाएंगे, कब होंगे। तो दोस्तों ऐसी बहुत सारी कमेंट आ रही थी, तो मैंने समझा इस टॉपिक पर एक अच्छी सी वीडियो बना दूँ। और दोस्तों प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखना, इसमें आपको बहुत सारी जानकारी दी जाएंगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एडमिशन के बारे में, एग्ज़ाम के बारे में भी दी जाएगी। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने राज्यपाल जी से बैठक कर यह फैसला ले लिया है कि 16 तारीख से थर्ड ईयर वालों के एग्ज़ाम होंगे। लेकिन दोस्तों आपको घबराना नहीं है, यह फैसला अभी बदल भी सकता है। और दोस्तों बात की जाए कि अब एडमिशन कब होंगे, जैसा कि आपको पता होगा कोरोना अभी चारों ओर फैला हुआ है, भारत में भी अभी केस कम नहीं हो रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। इसके चलते अभी तो नहीं लग रहा कि अभी एडमिशन स्टार्ट होंगे। दोस्तों अभी तो एग्ज़ाम की ही डेट नहीं आई इन लोगों की, अभी एडमिशन कहाँ से हो जाएंगे। जब एग्ज़ाम हो जाएंगे जुलाई अगस्त तक एग्ज़ाम अगर हो जाते हैं तो आपके सितंबर में एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे। मेरी मानो तो दोस्तों आपको कहीं पर भी इंटरनेट पर ही सर्च मत करते रहना कि एडमिशन कब होंगे। अभी तो यही सरकार को भी नहीं पता कि हम एडमिशन कब से चालू करेंगे, और जो भी नया अपडेट आएगा कि एडमिशन कब से होंगे मैं बता दूंगा। लेकिन दोस्तों अभी सरकार को भी नहीं पता कि कोरोना कब तक रहता है, कब तक क्या होता है। जब कोरोना हट जाएगा तभी एडमिशन स्टार्ट होंगे, यानी कि आपके जो एडमिशन है, चाहे आप BA, BSc, BCom कुछ भी कर रहे हो, जो एडमिशन है वो शुरू होंगे लगभग सितंबर में, जब तक कोरोना चला जा सकता है, मतलब केस कम हो सकते हैं, वैक्सीन भी आ सकती है। तो सितंबर में एडमिशन लगभग स्टार्ट हो जाएंगे। आप ये सर्च मत करना कहीं इंटरनेट पर, ना ही मुझसे पूछना कि सर एडमिशन कब से होंगे। मैंने बता दिया लगभग सितंबर में शुरू हो जाएंगे। और जो एडमिशन है उसकी आप चिंता मत कीजिएगा, वो तो अपने टाइम से ही होंगे, जब भी हों। अभी किसी को भी नहीं पता कि अब ये बताओ आप ये पूछने लगो कि कोरोना कब ख़त्म होगा, किसी को पता है नहीं पता ना। ऐसे ही आपके एडमिशन का है, अभी एडमिशन का किसी को नहीं पता और ना ही एग्ज़ाम का पता है। वो सिर्फ एक अपडेट आ गया है कि 16 तारीख से लास्ट ईयर वालों के बच्चों के एग्ज़ाम होंगे, वो भी फैसला बदल सकता है। क्योंकि इंदौर भोपाल अगर बच्चे एग्ज़ाम देने जाएंगे तो दोस्तों, मतलब जिन बच्चों की कॉलेज इंदौर भोपाल में है वो अगर वहाँ पर जाएंगे तो वो रेड जोन इलाके हैं, तो खतरा बढ़ जाएगा। तो या तो फिर रेड जोन इलाकों के एग्ज़ाम अभी नहीं होंगे, ऐसा ही कुछ करेगी सरकार, कुछ भी होगा। लेकिन अभी ये फाइनल डिसीजन नहीं है, अभी नए नए अपडेट आ सकते हैं, फैसले बदल सकते हैं। और एडमिशन की बात रही तो एग्ज़ाम हो जाएंगे, उसके बाद एडमिशन भी शुरू हो जाएंगे, लगभग सितंबर में एडमिशन शुरू हो जाएंगे, इससे लेट भी हो सकते हैं। और जैसा कि बैठक में तय किया गया था अगला सत्र सितंबर से शुरू होगा, तो उसी से मैं कह सकता हूँ कि आपके सितंबर में एडमिशन होंगे, क्योंकि उस में बताया भी गया था कि अगला सत्र सितंबर में होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों।